हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिल्ली पनीर। ये हमने पहले भी बड़ी बार बनाया है, लेकिन आज क्या पता टेस्टी बने। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे और कैसे हम इसको बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब टेस्टी हम आज चिल्ली पनीर बनाना आपको सिखाएंगे, किस तरह से बनाते हैं। सब मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या सामान लिया है अपना चिल्ली पनीर बनाने के लिए। सबसे पहले हमने लिया है लहसुन, इस तरह से प्याज को चॉप करना है। ये टमाटर है, शिमला मिर्च, दूसरे प्याज, बाकी सारा सामान हमने यहाँ रखा हुआ है, वो बाद में बताएंगे। ये हमारी कढ़ाई आपको चाहिए जो एक जगह से पकड़ने वाली, एक जगह से टूटी हुई है। और ये जो हमने पनीर जो है इसको फ्राई किया हुआ है, ऐसे लग नहीं रहा फ्राई किया हुआ लेकिन किया हुआ है। सबसे पहले हम धीमी आंच पे तेल गर्म करेंगे, उसके बाद ये है हमारी अजवाइन, लहसुन, अच्छा ये जीरा है, तो ये वाला जीरा है एक्चुअली, और यहाँ पे ये है प्याज टमाटर, बाकी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पहले जीरा। रुको एक मिनट, तो क्या क्या डाला है, जीरा डाल दिया है, फिर शिमला मिर्च डाल दी है और प्याज भी डाल दिया है, टमाटर हमने यहाँ रखे हैं, पनीर यहाँ है, बीच में ये डलेगा, सोया सॉस डलेगा, टमाटर डलेंगे। और एक कुछ डलने के बाद हमारा ये चिल्ली पनीर बन गया है, चिल्ली पनीर हमारा रेडी हो गया है। अब पता नहीं चल रहा ये चिल्ली पनीर है या मटर पनीर है। इसके बाद हम इसमें एक दो चीज़ और ऐड करेंगे, देखते हैं अगर वो पड़ी होगी वो सामान तो हम ऐड कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही खा लेंगे। बताते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा चिल्ली पनीर जो है रेडी हो गया है, अभी हम खाएंगे तो बताएंगे क्या कैसा टेस्ट था। बताते हैं हम कैसा टेस्ट था हमारे जो चिल्ली पनीर, जो कि माई फर्स्ट